हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आंगन पब्लिक स्कूल एंड टुडे वी विल स्टडी ऑफ मैथ्स मैथ्स मैजिक टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स आज आपका मैथ्स का लेक्चर है ओके एंड नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स मैजिक का ओके okay? उसमें चैप्टर नंबर ट्वेल्व कैन वी शेयर ओके okay? चैप्टर नंबर इलेवन जो है स्टूडेंट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्व नेम है कैन वी शेयर ओके किस तरह से हम शेयर कर सकते हैं सो नाउ हाउ मैनी ईच ग्रुप नाउ स्टूडेंट्स आपको पूछे है यहाँ पर हाउ ईच ग्रुप कितने ग्रुप है ओके सो नाउ देख सकते हो वन ग्रुप एंड टू ग्रुप एंड नाउ देर आर टेन बटरफ्लाइज यहाँ पर टोटल ऑफ बटरफ्लाइज कितनी है टेन वन ग्रुप में फाइव एंड नाउ सेकेंड ग्रुप में फाइव सो आंसर है टेन बटरफ्लाईज दे आर टू ग्रुप टोटल ऑफ ग्रुप कितने हैं टू ग्रुप देर आर फाइव बटरफ्लाई बटरफ्लाईज इन ईच ग्रुप मीन्स के फाइव बटरफ्लाईज ग्रुप में है नाउ नेक्स्ट देर आर ट्वेंटी वन सॉरी देर आर डैश कैटर पिलर टोटल ऑफ कैटर पिलर कितने स्टूडेंट ट्वेंटी वन जब आप इनको काउंट करोगे तो टोटल ऑफ कैटर पिलर आपको मिलेंगे ट्वेंटी वन दे आर डैश ग्रुप टोटल ऑफ ग्रुप कितने वन टू एंड थ्री तो हम यहाँ राइट करेंगे थ्री एंड देर आर डैश कैटर इन ईच ग्रुप वन ग्रुप में कितने okay? कैटर हैं है स्टूडेंट्स सेवन ओके नाउ नेक्स्ट देर आर डैश लड्डूस टोटल ऑफ लड्डूस कितने हैं ये ट्वेल्व नाउ देर नाउ दे आर इन डैश ग्रुप ओके टोटल ऑफ ग्रुप कितने हैं वन टू थ्री फोर एंड दे आर डैश लड्डूस इन ईच ग्रुप ओके एक ग्रुप में कितने लड्डू हैं यानी कि एक ग्रुप में एक प्लेट में कितने लड्डू हैं सो हैं थ्री नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर वन हंड्रेड स्टार आपको क्या करना है ये एटीन स्टार इसमें ड्रॉ करना है होमवर्क में सो पुट देम इन टू टू इक्वल ग्रुप एंड वो भी कैसे ड्रॉ करना है दोनों इक्वल होने चाहिए ओके यानी टोटल ऑफ स्टार ड्रॉ करना है आपको एटीन ओके तो वन ग्रुप में नाइन एंड वन ग्रुप में इन सो दे आर नाइन स्टार्स इन एच ग्रुप नाउ ड्रॉ एटीन बैट्स यहाँ अब आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखो ये थ्री रो दी हुई है इसमें आपको क्या करना है वन ग्रुप में सिक्स ओके वन ग्रुप में सिक्स बीट्स वन ग्रुप में सिक्स वन ग्रुप में सिक्स ओके मीन्स के आपको ईच ग्रुप में सिक्स बीट्स क्या करना है ये इस तरीके से ड्रॉ करना है पुट दैम इन टू थ्री इक्वल ग्रुप तीनों में जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होने चाहिए ओके सो वन ग्रुप में कितने आएंगे सिक्स तो दे आर सिक्स बीट्स इन ईच ग्रुप ओके वन ग्रुप में सिक्स बीट्स आएंगे नाव नेक्स्ट पेज नंबर वन हंड्रेड एंड सिक्स मम्मी बर्ड्स ब्रिंग ट्वेल्व ग्रेन ओके नाव यहां देख सकते हो स्टूडेंट ये एक मम्मी बर्ड है ओके सो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ओके नाव अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये मम्मी बर्ड है नाव ये ग्रेन लेकर आती है टोटल ऑफ ग्रेन कितने इसके पास ट्वेल्व ग्रेन्स है ओके okay? तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह कि, किस तरह करेगी अपने जो बेबीज है उनको और उसके बेबीज कितने हैं फोर सो मम्मी बर्ड स्टार्ट बाय गिविंग वन ग्रेन टू ईच बेबी पहले वो क्या करती है वन ग्रेन ईच बेबी को देती है ओके देन मम्मी बर्ड गिव्स वन मोर ग्रेन टू ईच बेबी ओके नाव फिर क्या करती है एक एक पहले सिंगल सिंगल देती है ओके वन वन ग्रेन देती है नाव फिर उसके बाद सेकेंड बार भी वो सेम वही करती है कि वन वन ग्रेन देती है ओके okay? देन फिर क्या होता है स्टूडेंट जब वो, वो उसके पास टोटल ऑफ बेबीज है फोर ओके okay? तो पहले देती है फोर तो फोर बेबीज के पास कितने हो जाएंगे फोर नाउ सेकेंड बेबीज सेकेंड टाइम जब वो देगी तो कितने हो जाएंगे फोर प्लस फोर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स एट ओके सो ईच बेबी हैज गॉट टू ग्रेन्स नाउ हाउ मेनी ग्रेन्स आर लेफ्ट ओके तो उसके पास कितने ग्रेन्स लेफ्ट बचेंगे स्टूडेंट्स फोर ओके सो शिपोर्ट्स वन मोर ग्रेन्स इन ईच बेबीज माउथ ऑल द ग्रेन्स आर फिनिश्ड ट्वेल्व ग्रेन्स ओके तो वन बेबीज के पास कितने आएंगे स्टूडेंट आप पिक्चर में देख सकते हो थ्री ग्रेन्स ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फोर फोर का टेबल बोलना है फोर के टेबल में ट्वेल्व जो है वो कौन से नंबर की प्लेस पर आता है तो ना वो है थ्री नंबर फोर थ्री झा ट्वेल्व सो आंसर आएगा थ्री नाउ नेक्स्ट सो नाओ ट्राई दिस नाव ओके नाव अभी नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गोपू हेज थ्री प्लेट्स ऑफ जलेबीज गोपू के पास थ्री प्लेट्स है जलेबी की जलेबीज की ईच प्लेट्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज ओके उसके पास जो थ्री प्लेट्स है सभी प्लेट्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर की जलेबीज हैं प्लेट ए में है वन जलेबी प्लेट टू में है फाइव जलेबीज प्लेट थ्री में है थ्री प्लेट सी में है थ्री जलेबीज ओके सो नाउ ड्रॉ द जलेबीज ऑन द प्लेट बिलो सो दैट ईच प्लेट हैज द सेम जलेबी सेम नंबर ऑफ जलेबीज ओके आपको क्या करना है यहाँ पर थ्री प्लेट्स दी हुई है जलेबीज ड्रॉ करनी है एंड आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है ओके okay? के uh, जो प्लेट्स हैं उनमें सभी में इक्वल जलेबीज आनी चाहिए ओके सो प्लेट्स ए में प्लेट्स बी एंड प्लेट्स सी सो हाउ मैंने जलेबीज आर देयर ऑल टूगेदर ओके तो टोटल ऑफ जलेबीज कितनी है स्टूडेंट नाइन एंड हाउ मेनी जलेबीज आर देर इन ईच प्लेट तो वन प्लेट में कितनी आएंगी जलेबीज थ्री सो डिस्कस द क्लास हाउ यू फाउंड द आंसर ओके तो आप क्या कर, क्या करना है स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस भी कर सकते हो ओके okay? की इसका हम आंसर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं बट आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने आपको आंसर राइट करके दिया है ओके नाउ टर्न करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शेयरिंग इक्वली ओके एंड पेज नंबर है हमारा वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव नाउ हियर आर थ्री नाव हियर आर सिक्स बनाना ओके यहाँ पर स्टूडेंट सिक्स बनाना दिए हुए हैं हियर आर थ्री मंकीज और यहाँ पर थ्री मंकीज दिए हुए हैं इफ शेयर द बनानाज इक्वली ईच मंकी विल गेट टू ओके आपको क्या करना है ये बनानास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ओके एंड वन बंकी के पास कितने बनानाज आने चाहिए टू बनानाज सो सिक्स बनाना डिवाइडेड इन थ्री इक्वल पार्ट ओके तो सिक्स बनाना uh, को हम थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वन मंकी के पास कितना आएगा स्टूडेंट टू बनाना नाउ नेक्स्ट इफ देर आर सिक्स बनानास नाव यहां पर भी सिक्स बनाना है बट मंकीज जो है वो थ्री की प्लेस पे टू हो गए हैं एंड टू मंकीज ईच मंकी विल गेट थ्री बनानास वन मंकी को आपको थ्री बनानाज देने हैं

डैश ओके सेम वैसे ही करना है स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने आगे वाला किया ओके डिस्ट्रीब्यूट करना था हमको अब यहाँ पर हमको सिक्सटी बनानाज दिए हैं ओके वहां पर हमको सिक्स बनानास थे यहाँ पर सिक्सटी की सिक्स की प्लेस पर दे दिए हैं सिक्सटी बनाना ओके तो आपको क्या करना है जिस तरह से हमने थ्री थ्री डिवाइड किए थे ओके तो थ्री की प्लेस पे आ जाएगा थर्टी सिक्सटी डिवाइडेड बाय टू सो आंसर आएगा हमारा थर्टी बनानाज नाउ नेक्स्ट है उनके पास टेन फाइव फाइव रुपीज के कॉइन है और वो ग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ रखे हुए हैं दे शेयर इक्वली शेयर करना है सो ईच फ्रेंड गॉड दैन रुपीज तो फाइव डिवाइडेड फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव आंसर इज टेन फाइव की फाइव के टेबल में फिफ्टी जो है कौनसे नंबर की प्लेस पर आता है सो नाव आता है वो टेन नंबर की प्लेस पर फाइव टाइम्टी ओके नाउ इफ देयर आर इफ देयर आर 16 10 rupees नोट्स ऑफ फोर फ्रेंड्स टू शेयर them ओके okay, अब नाउ यहाँ पर क्या है 16 10 rupees के नोट्स हैं फोर फ्रेंड्स में इक्वली हमको डिवाइड करना है तो 16 डिवाइडेड बाय 4 4 के टेबल में 16 जो है वो कौन सा नंबर की प्लेस पर आता है सो नाउ आंसर आएगा हमारा 4 ओके okay, या तो फिर 4 10 सो आंसर इज 40 नाउ नेक्स्ट है सो ईच फ्रेंड्स गैट ईच फ्रेंड गैट्स डैश रुपीज ओके तो वन फ्रेंड्स के पास कितने आएंगे स्टूडेंट्स टेन रुपीज फाइव फ्रेंड्स फाउंड रुपीज हंड्रेड जिस तरह से पहले वाला हमने किया वैसा ही अब ये हंड्रेड रुपीज करने है, हमको डिस्ट्रीब्यूट इफ देयर इफ देर शेयर इट इक्वली हाउ मच विल ईच गैट ओके अभी यहां पर हंड्रेड रुपीज दिए हैं फाइव फ्रेंड्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट करने ओके okay? तो हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव आंसर आएगा ट्वेंटी नाउ नेक्स्ट है हरिप्रसाद हैज थर्टी मीटर ऑफ रोप डिस्ट्रीब्यूटेड इट इक्वली अमोंग हिज थ्री चिल्ड्रन हरिप्रसाद के पास थर्टी मीटर रोप है एंड उसको थ्री चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओके okay? तो थर्टी डिवाइडेड बाई थ्री सो ईच चाइल्ड गेट्स आंसर कितना आएगा हमारे पास टेन थ्री टेन सा कितना होता है थर्टी तो थर्टी मीटर ऑफ रोप नाउ इफ देयर इज थर्टी मीटर ऑफ थर्टी सिक्स मीटर ऑफ रोप पहले थर्टी मीटर का था अब यहां पर दिया है आपको थर्टी सिक्स मीटर ऑफ रोप हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट ओके सो नाउ टेन की जगह कितना हो जाएगा स्टूडेंट ट्वेल्व बिकॉज यहां पर थर्टी की प्लेस पर थर्टी सिक्स हुआ है ओके तो टेन की प्लेस पे हो जाएगा ट्वेल्व यानी वन वन जो चिल्ड्रन है उसमें टू टू एड हो जाएंगे

सिक्सटी सिक्स तक कंप्लीटेड किया है ओके सो नाउ स्टूडेंट्स जो भी ड्रॉ करने का है वो आपको होमवर्क में करना है ओके okay? एंड जिसका भी वर्क इनकम्प्लीट है वो आपको ये जो मैंने टेक्स्ट बुक में अभी वर्क करवाया है उसमें से देख के स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट करना है ओके सो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज जो आज का जो हमारा मैथ्स का लेक्चर है वो यहाँ पर ओवर होता है ओके सो गुड बाय एंड टेक केयर एवरी